जी सर, वी आर लाइव नाउ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए, सो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन था, कैन आई आस्क? जी पूछिए। ओके मैम, ये काली लिनक्स यानी किस लिए ये कोर्स, इसका पर्पज, आप कुछ बेनिफिट्स वगैरह बता सकते हैं? ये भी सर हमें ज्वाइन करेंगे, वो से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन बेसिकली ये हम जो है ना यूज़ करते हैं वैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए, जो स्पेसिफिक जो विंडो यूज की जाती है। यस, ये है काली जो नहीं, एथिकल हैकिंग एक एनवायरनमेंट है ना एथिकल हमारे पास। जी, काली हाँ लिनक्स जी, एथिकल हैकिंग के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है, जिसके अंदर सबसे एडवांस फीचर्स होते हैं, इस वजह से उसको ना काली लिनक्स को किया जाता है। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में एक कोर्स पढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कभी भी इसे यूज नहीं किया। मुझे इसके एक्चुअल में बेनिफिट्स तो आ रहा है, यानी किस लिए हम लोग ये यूज करेंगे? ये हम लोग सीखेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको किस टाइम किया। सो अभी आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो गए, अगर वो होते तो आपको सही से एक्सप्लेन कर देते। अच्छा, सो आप में से, अच्छा ये जो कोर्स अभी हमने स्टार्ट किया ना, ये बेसिकली सारा ये प्रैक्टिकल वर्क है। आपको कोर्स कंटेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सर आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे, मैंने शेयर भी किया हुआ चैनल के अंदर। सो ऑलमोस्ट हमारा सारा प्रैक्टिकल वर्क होगा नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, या 1 मंथ या आई गेस। सो इससे पहले जो हम साइबर सिक्योरिटी का कोर्स में हमने सारी थ्योरी कवर की थी। सो आप में से जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है चीज़ों का, सो आप वो लेक्चर भी साथ साथ प्रीवियस हमारे रिकॉर्डिंग मौजूद है फेसबुक पे, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है? सो आपको थोड़ा सा फिर वो चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का भी आइडिया हो जाएगा। सो और अगर वैसे भी अगर अगर प्रैक्टिकल्स में अगर इस्तेमाल होनी है कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हुई जो कि आपको बतानी है कि पहले थेरी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हुई, तो पहले हमें थेरी एक्सप्लेन कर देंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू प्रैक्टिकल वर्क। तो आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, जब तक सर हमें ज्वाइन नहीं करते। एक्सक्यूज मी मैम, ये काली लिनक्स से रेलेवेंट क्वेश्चन तो नहीं है, एक स्टूडेंट थे वो स्लैक पे पूछ रहे थे, ये गूगल डेवलपर जो हमारे पास कुछ कोडिंग समर वाला ये जो होता है, ये कौन लोग, यानी कोई भी ज्वाइन कर सकता है और कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? और मैम कह रही थी कि उसकी जो डेट है वो 22nd से यानी वो स्टार्ट होने वाला है गूगल कोड समर जो है, तो आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? आप मुझे बता सकेंगे कि अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट या इसमें कुछ ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकूंगी? एक्चुअली मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया पहले, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, लेकिन पार्टिसिपेंट में से अगर किसी को आइडिया तो वो आंसर कर सकते। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप चैनल में ही सवाल पूछे वहाँ पर, तो आपको कोई ना कोई आंसर कर देगा वहाँ पर। सॉरी मैम, माफ कीजिएगा, मेरा वो इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, आ गया हूँ। ठीक है मैम, तो मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ये इतनी जल्दी कैसे क्लास शुरू हो गई? ये तो 6 PM टाइम था। जी 6 PM था, लेकिन हमने इसको जो है ना अभी आज से हमने इसको 3 बजे से कर दिया है। हमने मतलब इसका स्केड्यूल था इस कोर्स का, इसको हमने चेंज कर दिया है, 3 बजे से कर दिया है, क्योंकि मेरे पास इधर 6 बजे लाइट चली जाती है विलेज में ना, तो इस वजह से अच्छा। थोड़ा मसला हो रहा था, तो इस वजह से फिर हमने मैम ने और हमने डिसाइड किया कि हमने इसको थोड़ा पहले कर दें। अच्छा जी, बिल्कुल सही सही।
अच्छा, कोई और कोई क्वेश्चन किसी का? सर जी, हमने जुमेरात को राउटर्स के ऊपर काम किया था सर, जी उसको जी अभी वो वहां पे ही उसको वाइंड अप कर देना कि अब नए सिरे से क्लिनिक पे स्टार्ट करना है, कि उसको भी साथ साथ कैरी करना है? वो अभी तक मतलब वो चीजें मैंने आपको बस ये बेसिक चीजें बताई थी कि कालिनिक्स में आप किस तरह काम करेंगे, मतलब कौन कौन सी चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें थी, अगर और चीजें ऐड करनी पड़ी तो हम इंशाल्लाह करेंगे, जिस तरह फायरवॉल्स हो गई और ये चीज, बाकी मतलब पैकेट ट्रेसर का मैंने जस्ट एक आपको ये रिफ्रेशर दिया कि भाई पैकेट ट्रेसर में इस तरह की अगर कोई भी हम नेटवर्क डिजाइन कर लें, कोई भी और प्रॉब्लम आ जाए तो हम पैकेट ट्रेसर के थ्रू किस तरह कर सकते हैं, लेकिन पैकेट ट्रेसर की अभी इतनी नीड नहीं है साइबर सिक्योरिटी में। जो साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में नीड है वो कॉलिनिक्स की नीड होती है हमें, ठीक है? ज्यादातर हमारे जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं यूज, उनकी नीड होती है। बाकी मतलब वर्किंग जो एनवायरनमेंट में जब हम काम करते हैं ना, जब इंडस्ट्री में जब हम काम करेंगे तो पैकेट ट्रेसर हमारा इतना यूज नहीं होगा, मतलब जितना हमारा कॉलिनिक्स और दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या दूसरे सिक्योरिटी के जो सॉल्यूशंस हैं, जिस तरह आपके पास फायरवॉल्स हैं और आपके पास दूसरे आते हैं सीम सॉल्यूशंस आते हैं जो बैंक्स वगैरह में लगे होते हैं, आपके फाइनेंशियल सेक्टर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उधर EDR XDR इस टाइप की चीजें लगी होती हैं, ठीक है? तो वो खैर एडवांस चीजें हैं, वो हम उन पे भी इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। हमारा जो लास्ट में मतलब जो मॉड्यूल्स है वो उन्हीं चीजों पे, तो इंशाल्लाह ताला हम वो भी चीजें कवर करेंगे इसी कोर्स में। तो इंशाल्लाह ताला हाँ, तो बस ऐसा सा बस अभी इंशाल्लाह जैसे स्टार्ट करते हैं तो बाकी इंशाल्लाह आगे वो चीजें करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कॉलिनिक्स इंस्टॉलेशन गाइड है, इसमें आपको मतलब कॉलिनिक्स का अगर आपको पता हो कि कॉलिनिक्स किस लिए यूज होता है, ठीक है? तो इसमें इस टेस्टिंग गाइड में आपको बताया गया है कि भाई ये हैकिंग के लिए यूज होता है, ठीक है? एथिकल हैकिंग, कोई हैकिंग हैकिंग के लिए, हैकिंग के भी टाइप्स होते हैं ना, जिस तरह ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट होते हैं, इस तरह हैकर्स के टाइप होती है, ठीक है? तो अगर वो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं तो वो आपके इसमें फिर इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे, ठीक है? इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर्स कौन होते हैं, जो मतलब ऑफेंसिव साइड होते हैं, जो मतलब अटैक्स वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसमें ये इसने बताया हुआ है कि भाई ये हम जो कॉलिनिक्स से हम किस लिए यूज करते हैं, हैकिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है? हैकिंग, गेनिंग एक्सेस, पोस्ट एक्सप्लोटेशन, वेबसाइट हैकिंग, ठीक है? इन चीजों के लिए। उसके बाद क्या है कि कॉलिनिक्स क्या है, कॉलिनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे मतलब वो बनाया गया है, और ये किसके लिए बनाया गया है, डिजिटल फॉरेंसिक के लिए बनाया गया है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। उसके बाद ये मेंटेन बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी, OSCP एक आप एक सर्टिफिकेशन भी होती है, मैं आपको ये भी साथ बता, OSCP, ठीक है? ये जो OSCP है ये एक सर्टिफिकेशन भी है, ठीक है? हैंड्स ऑन पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्टिफिकेशन है ये। अगर आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपको इस सर्टिफिकेशन के बेस पे आपको एक अच्छे पेनिट्रेशन टेस्टर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब काम कर सकते हो, एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर, PT, जिसको PT कहते हैं, VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो इसमें आपको इसकी मतलब एग्जाम कॉस्ट तकरीबन अराउंड 1 लाख या 1.5 लाख तक है पाकिस्तान में, लेकिन इनके वाउचर्स आते रहते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर मैं हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसा कोई ग्रुप या ग्रुप हमारा जिस तरह ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपका आईकोड ग्रुप है, आप उधर कीप इन टच रहिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ उधर सारी चीजें जो भी साइबर सिक्योरिटी में जॉब के हवाले से आती हैं, इंटर्नशिप के हवाले से आती हैं या सर्टिफिकेशन के वाउचर्स आते हैं, वो इंशाल्लाह सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूंगा इंशाल्लाह। बस आपका मुझे साथ चाहिए, साथ चाहिए कि आप कंसिस्टेंसी के साथ जो जो चीजें मैं बताऊं उन पे आप नोट्स बनाएं, ये आपको अच्छी मतलब काम आएंगी। और साइबर सिक्योरिटी में या कोई भी फील्ड हो, मेन है आपका एक फोकस भी होना चाहिए, फोकस के साथ क्या हो, पेशेंस होना चाहिए।
बास्तर लोग ऐसे मतलब स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि सर जल्दी 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 हर चीज मतलब बी क्विक हो जाए, तो ऐसा नहीं है ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत पेशेंस जरूरी है जिंदगी में, आपको कोई भी चीज हासिल करने के लिए मतलब आपको पेशेंस होना लाजमी है, लेकिन आज की जनरेशन में इतना पेशेंस नहीं है, वो कहती है कि बस बी क्विक हर चीज जल्दी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बस थोड़ा मतलब आप इन चीज़ों पे पेशेंस रखें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब हम इन सब चीज़ों पे हैंड्स ऑन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर होती जाएंगी। तो ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी जो मैंने आपको बताई, ये सर्टिफिकेशन भी है और ये कार्ल लिनक्स से इन्होंने बनाई, ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग कंपनी ठीक है। उसके बाद ये क्या है, थ्रू आउट मतलब कार्ल लिनक्स से डेवलप की गई थी, मतलब बैक ट्रैक पे, बैक ट्रैक भी एक है, मतलब पहले हमारे पास बैक ट्रैक आता था, बैक ट्रैक 5 और बैक ट्रैक ठीक है पहले इस पे आता था, लेकिन उसने उन्होंने फिर जो है ना इसको मतलब अपडेट कर दिया, और ऑफिस मतलब ऑफिस सिक्योरिटी वालों ने फिर इसको कालिनेक्स में मर्ज कर दिया। मतलब कालिनेक्स में अब क्या है कि जब आप कालिनेक्स इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास बहुत सारे टूल्स आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टूल्स, डेटा वेल सुटेड, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टास्क इंक्लूडिंग पीटी कंप्यूटर फॉरेंसिक सिक्योरिटी रिसर्च एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब पहले बैक ट्रैक जो होता था, बैक ट्रैक भी इस तरह कालिनिक्स की तरह होता था, लेकिन उन्होंने फिर इसको अपग्रेड कर दिया। पर कालिनिक्स में अब क्या होता है, जैसे ही आप कालिनिक्स इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे या वर्चुअल मशीन पे, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कालिनिक्स इंस्टॉल करने के लिए 2-3 मेथड्स होते हैं। अगर कोई कह रहा है कि सर मैं एक अपने, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो हम बिलफर्ज आप इसको अपने यूएसबी पे भी बूट सकते हैं, या आपने जिस तरह मेरा ये रियल ओएस चल रहा है, ये विंडोज मेरे बिलफर्ज मेरा चल रहा है, मैं इसको ड्यूअल बूट बना लूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास विंडोज भी चलेगा, मेरे पास काली लिनक्स भी चलेगा, तो दोनों को मैं चला सकता हूँ ड्यूअल बूट में। और आप इसको बूटेबल बना सकते हैं, बूटेबल में क्या होगा कि आप जो ओएस का कालिनेक्स का बना रहे हैं वो आपका किस में चलेगा, सिर्फ यूएसबी में। जैसे जब भी वो यूएसबी, उस यूएसबी में आपकी कालिनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ जाएगा, मतलब उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। आप कहते हैं कि सर बिलफर्ज में वो यूएसबी, कभी इस्लामाबाद जा रहा हूँ, या कभी कराची जा रहा हूँ, कभी कहाँ जा रहा हूँ, तो अगर वो यूएसबी आपके साथ होगी ठीक है, तो आप कभी भी उसको इंसर्ट करके उसको अपने हिसाब से उस पे वो कर सकते हो ठीक है। मतलब उससे फायदा ये है कि आपको मतलब अपने सिस्टम पे जो वर्चुअल आपका रियल सिस्टम में, फिजिकल सिस्टम में, आप उस पे इंस्टॉल करने के बजाय आप अपने पास एक यूएसबी होगी, उसको आप किसी भी सिस्टम पे आप वो कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपके पास वर्चुअल बॉक्स होना लाजमी है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, एक हमारे पास वर्चुअल बॉक्स आता है, इसकी ये पिक्चर है ठीक है, इसमें हम मोस्टली जो भी वर्चुअल मशीन्स वगैरह होती हैं वो हम इसमें बनाते हैं। मतलब हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, हमें उबंटो चलाना है या हमें पेरेट चलाना है, तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन में हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज फाइल वो डाउनलोड करेंगे, पहले उसकी डिस्क इमेज फाइल आईएसओ, जिसको हम कहते हैं आईएसओ फाइल, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज 10 का आप आईएसओ फाइल, हम वो भी इंशाल्लाह आगे करेंगे, विंडोज 10 का भी आईएसओ फाइल डाउनलोड करेंगे ठीक है। हेलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे, ये सारी चीजें इंशाल्लाह करेंगे कि विंडोज का अगर हमने आईएसओ फाइल डाउनलोड करना हो, या उबंटो का हमने करना हो, या हमें पेरेट का करना हो, कोई भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना हो, फिर उनको हम वर्चुअल मशीन में इनको डिप्लॉय करना हो, तो ये सारी चीजें हम इस साइबर सिक्योरिटी के इस पूरे हैंड्स ऑन सेशंस में हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो खैर अभी हम उसी चीज पे मूव हो रहे हैं ठीक है, तो ये कालिनिक्स में इसके मॉड्यूल्स हैं ठीक है। बाकी ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये जो भी गाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर ठीक है। तो इसमें कालिनेक्स में प्री इंस्टॉल टूल्स आते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए टूल्स आता है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वायरलेस अटैक्स, वेब एप्लीकेशन एक्सप्लोइटेशन टूल्स, स्ट्रेस टेस्टिंग, फायरवॉल
फॉरेंसिक टूल्स, स्निफिंग एंड स्पूफिंग, पासवर्ड अटैक्स, मेंटेनिंग एक्सेस, रिवर्स इंजीनियरिंग, रिपोर्टिंग टूल्स, हार्डवेयर हैकिंग, ठीक है। उसके बाद फीचर ऑफ काली लिनक्स के क्या हैं, ठीक है, इसमें फीचर्स में क्या है। काली लिनक्स फुल डिस्क इनक्रिप्शन होती है, ठीक है, जो भी इसकी मतलब डिस्क होती है वो इनक्रिप्टेड होती है, और इसमें कस्टमाइजेशन ऑफ काली आईएसओज होते हैं, ठीक है, और डेवलप्ड इन अ सिक्योर एनवायरमेंट में होता है। लाइव यूएसबी बूट होती है इसमें, फॉरेंसिक, इसमें फॉरेंसिक का मॉड्यूल होता है, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप जब काली लिनक्स को करेंगे इंशाल्लाह, काम करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझती आती जाएंगी इंशाल्लाह। और ये बता रहा है कि प्रोफेशनल डेट यूज काली लिनक्स, प्रोफेशनल्स में कौन कौन से रोल्स हैं जो काली लिनक्स को यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर वाले यूज़ करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स यूज़ करते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, फॉरेंसिक इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, वाइट हैकर मोस्टली ये यूज़ करते हैं, जिस तरह साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, वो एथिकल हैकिंग वाले कौन से होते हैं, वाइट हैकर होते हैं, और ब्लैक हैकर कौन से होते हैं, ब्लैक हैट कौन कौन होते हैं, जो बताएगा जी, जो डैमेज करते हैं सिस्टम को, एग्जैक्टली, जो मतलब अपने एग्जैक्टली वो अनऑथराइज होते हैं, मतलब अनएथिकल मतलब वो होते हैं, मतलब जो अपने स्किल्स को मिसयूज करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं, और ग्रे हैट में आपका मिक्स होते हैं, वाइट भी होते हैं और ये ब्लैक भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर एंथुसियास्ट, मतलब जो कंप्यूटर के जो बड़े वो हैं, शौकीन हैं, वो इनकी इनको यूज़ करते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्ट्स, और उसके बाद ये सीसो है, ये भी मतलब इसके जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो होता है, ये अपर लेवल की ये पोजीशन है सीसो। ये आपकी जो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिस तरह आपकी बैंक्स हो, बैंक सेक्टर्स हो गए, ठीक है, या कोई भी बड़ा इदारा है, उसमें साइबर सिक्योरिटी के सीसोज होते हैं, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स। ये क्या करते हैं, पूरी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये मैनेजर से ऊपर होते हैं। पहले होता है, पहले डिफरेंट रोल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी में अगर आप इंडस्ट्री साइड काम करेंगे ना, तो आपके पास सॉक एनालिस्ट होते हैं। सॉक एनालिस्ट का क्या काम होता है कि वो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें लेवल्स होते हैं, सॉक वन, सॉक टू, L1, L2, उसके बाद L3 पे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर लेवल की वो पोजीशन से। उसके बाद ये सीसो होती है, सीसो की सर्टिफिकेशन भी होती है, अगर आप पास कर लेते हैं तो आप एज ए सीसो बन लग सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और उसके साथ में एक और ये बताऊं कि मतलब साइबर सिक्योरिटी करने से पहले अगर मतलब जो मोस्टली अगर आप बैचलर्स वाले हैं तो आपके लिए ये क्या है, बैचलर्स वाले हैं आपके लिए इनफ है, कि मतलब आपने बैचलर्स की है तो ये आपके लिए बिल्कुल इनफ है, ठीक है। तो अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करना चाहें एक्स्ट्रा, तो आप कर सकते हैं CEH कर सकते हैं, CHFI कर सकते हैं, OSCP कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा रोल आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, पेन टेस्टर्स, ये मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ये कवर की, इनकी मतलब डेफिनेशंस हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टर्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं, फॉरेंसिक इंजीनियर्स कौन से होते हैं, ठीक है, मतलब फॉरेंसिक मोड विच परमिट्स अ फॉरेंसिक इंजीनियर टू परफॉर्म डेटा सर्च एंड रिकवरी इन सम केसेस, जो फॉरेंसिक होते हैं, ठीक है। इसमें ये मैंने थ्योरी दे दी है, अभी मैं थ्योरी को कवर करूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इन चीज़ों को अभी नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको ऊपर ऊपर से ये जस्ट मतलब एक बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। वाई यूज़ काली लिनक्स, हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फ्री है और इसमें काफ़ी 600 टूल्स हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, सिक्योरिटी एनालिटिक्स के, ठीक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई काली लिनक्स क्यों यूज़ करते हैं, आप उनको इजिली जवाब देंगे कि सर काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बनाया गया है सिक्योरिटी रिसर्चर, सिक्योरिटी आप रिसर्चर्स भी कह सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स भी करते हैं, या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए बनाया गया ये टूल है। इसमें 600 टूल्स होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी एनालिटिक्स के लिए, और ये कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, ठीक है। उसके बाद ओपन सोर्स है,
आप इसकी मतलब ओपन सोर्स से क्या मुराद होता है कि आप इनका जो भी ओएस है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है वो ओपन सोर्स है, मतलब वो पब्लिकली अवेलेबल है, आप उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं या कुछ भी, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब आजकल अगर आप देखा जाए, अगर आपको ओपन सोर्स का पता हो तो ओपन सोर्स में मतलब काफ़ी चीज़ें आती हैं, गिट हो गया और इस तरह की गिटलैब वगैरह, ठीक है। तो ओपन सोर्स से ये मुराद होता है कि काफ़ी चीज़ें मतलब जो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ओपन सोर्स। आजकल मतलब पूरी दुनिया में मतलब अगर बाहर कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान मतलब अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि ओपन सोर्स पे काम करे, और जो बाहर के कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं कि अपने जो भी चीज़ें होती हैं उनको वो ओपन सोर्स कर देते हैं, मतलब वो अपना जो भी फर्मवेयर बना रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उनको ओपन सोर्स कर देते हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स से ये होता है कि हम अगर उनकी जो जो भी इन्वेंशन है, जो भी चीज़ें हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं यूजिंग ओपन सोर्स, तो उन्होंने मतलब उन चीज़ों को ओपन सोर्स कर दिया होता है। उसके बाद ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट होता है, इंग्लिश में भी होता है और भी लैंग्वेजेस इसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट काली लिनक्स, अगर आपको काली लिनक्स इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे तो उसकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसमें कहा हुआ है कि भाई प्लेटफॉर्म डेट सपोर्ट इंक्लूड i386 AMD64, ठीक है। मतलब आपकी जो मतलब आप कह लें ये जिस तरह एलिजिबिलिटी या मतलब एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपके पास i3 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपके पास i3 होना चाहिए और AMD64 ये 64 बिट का होना चाहिए, और ये ARM बेस्ड जो वो होते हैं आपके पास सिस्टम्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, उसमें भी ये मतलब इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए स्पेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो है ना 20 GB मतलब होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 20 GB हमारे पास है डिस्क, डिस्क हमारी स्टोरेज होनी चाहिए। बिलफर्स में अभी अगर बिलफर्स में आपको दिखाऊं कि मैं अभी अपने पास क्या, मैं SSD यूज कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप SSD यूज नहीं कर रहे तो आप इतना मेक श्योर करें कि आपके पास जो डिस्क है वो 20 GB की मतलब स्पेस होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी 20 GB की स्पेस नहीं होगी तो आप काली लिनक्स मतलब सही तरीके से उसको इंस्टॉल भी नहीं कर सकेंगे, और उस मतलब उसमें वो जो, क्योंकि काली लिनक्स में हम और चीज़ें भी यूज़ करेंगे तो उसको हम सही तरीके से वो नहीं कर पाएंगे, फिर वो या तो एरर्स देगी या वो बंद हो जाएगी, मतलब इस तरह की। तो इसलिए हमें 20 GB स्पेस होनी चाहिए, मतलब डिस्क में हमारी 20 GB की स्पेस होनी चाहिए तभी हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी मिनिमम रैम जो होती है वो 1 GB रैम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, AMD 64 के लिए, 64 बिट के लिए। हाउएवर इट इज सजेस्टेड वी हैव एटलीस्ट 2 GB मतलब है, और जो मैक्सिमम रैम आपको रखनी है वो 2 GB रैम रखनी है। उसके बाद USB बूट सपोर्ट, CD DVD ड्राइव आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। काली लिनक्स प्रीरिक्विजिट इसकी क्या है कि भाई काली लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई अगर हम काली लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो काली लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद हमारे हमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स जिस तरह कोई भी टर्मिनोलॉजीज हो गई, या टर्मिनोलॉजी साइबर सिक्योरिटी की हो गई, या साइबर सिक्योरिटी की जो बेसिक कमांड्स हैं जो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी लेक्चर्स में आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिस तरह ये मैंने आपको बताया बूटेबल डिवाइस, ये USB के लिए होती है, हम USB पे काली लिनक्स किस तरह इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल किस तरह करेंगे, जिस तरह हमारा कोई भी हार्ड डिस्क है उस पे हम, जिस तरह मेरे पास ये इधर हार्ड डिस्क है, ठीक है, मैं किसी भी हार्ड पे काली लिनक्स को इंस्टॉल कर दूँ, जिस तरह मेरे पास इधर इस हार्ड ड्राइव पे काली लिनक्स मेरी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो मैं उस पे भी कर सकता हूँ, USB पे भी कर सकता हूँ, ड्यूअल बूट भी बना सकता हूँ। ड्यूअल बूट से क्या मुराद है कि मैं अपने जिस तरह विंडोज 10 चला रहा हूँ इसी सिस्टम पे, इस पे मैं ड्यूअल बूट भी कर सकता हूँ, उसमें क्या होगा विंडोज 10 भी चलेगी और मेरे पास काली लिनक्स भी चलेगी। तो खैर हम इन चीज़, ये जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि काली लिनक्स हम किन किन चीज ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किन किन पेरिफेरल डिवाइसेस पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हम USB पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं,
हार्ड डिस्क पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ड्यूअल बोर्ड भी इसको बना सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन हम जो काम करेंगे वो इस पे ही करेंगे इंशाल्लाह, वर्चुअलाइजेशन पे। आप इंडस्ट्री में भी जब काम करने जाएंगे तो आप वर्चुअलाइजेशन पे ही काम करेंगे, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन उनके सर्वर्स बने होते हैं वर्चुअल मशीन्स के, ठीक है, उनके सर्वर्स बने होते हैं वर्चुअल मशीन्स के। आप उधर से मतलब क्या कर सकते हैं, उनके वो आपको वो सर्वर देंगे, उस पर आपकी मतलब वर्चुअल मशीन वो हो जाएगी, मतलब रेडी हो जाएगी। मतलब आपको कुछ भी नहीं, ना आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना आपको कालिनिक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो क्या होगा, आपको इस तरह एक लिंक दे देंगे कोई भी, ठीक है, कोई भी एक लिंक दे देंगे, आप उस पर जाएंगे, आपकी उधर क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। मतलब आप वर्चुअल एनवायरमेंट में चले जाएंगे, मतलब आप क्लाउड में चले जाएंगे, क्लाउड में वो लैब परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वो लैब आपकी क्या होगी, क्लाउड में हो जाएगी। तो क्लाउड में होने से क्या मुराद है कि उससे ये है कि मतलब आपकी जो भी सिस्टम में जो भी कालिनिक्स है, वर्चुअल मशीन है, वो आपकी क्लाउड में चली जाएगी। आपको कोई भी मतलब अपने इस सिस्टम पे, रियल सिस्टम पे आपको कुछ इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप कालिनिक्स को ARM प्रोसेसर्स पे भी कर सकते हैं। रिस्क भी एक प्रोसेसर है, अभी न्यू आजकल मार्केट में चल रहा है रिस्क, ठीक है, रिस्क वी के नाम से, अगर आपको मैं दिखा दूँ, इस पर भी अभी पाकिस्तान में काम हो रहा है, रिसर्च लैब इसकी बनी हुई है कराची में, NET में आई थिंक इनकी वो है, ठीक है। ये ओपन आर्किटेक्चर मतलब ये ओपन सोर्स इन चीज़ों पे, एक चिप पे, ठीक है, प्रोसेसर टाइप आप कह लें, डिजिटल लॉजिक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक किस्म ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर बेस्ड, ठीक है। अभी इनकी चिप्स बन रही हैं पाकिस्तान में और इन पे काम हो रहा है, अभी रिसर्च इन पे ज़्यादा चल रही है। तो उसके बाद आप कालिनिक्स को रिस्क भी जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम था इन पे कर सकते हैं, इन चिप पे कर सकते हैं, रेसबरी पाई पे कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह क्यूबिक ट्रक, ट्रिमिस लाइस एंड सो ऑन, और डिफरेंट बोर्ड्स पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कालिनिक्स को अगर आप बूट करना चाहते हैं, USB में करना चाहते हैं, तो आप किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस वेबसाइट पे जाएंगे, सॉरी एक मिनट में, ठीक है, इस वेबसाइट जो मैंने उसमें दी हुई थी, आपने क्या करना है, आपने एक मिनट, ठीक है, आप इधर जाएंगे और आप क्या करेंगे, आप इधर से मतलब इसका ISO इमेज फाइल डाउनलोड करेंगे। एक मिनट में आपको करके दिखाता हूँ, ये कॉपी कर लें, ठीक है, आप वर्चुअल मशीन्स पे जाएंगे, वर्चुअल मशीन से आप इधर से देखेंगे, ठीक है। अगर आप VMware यूज कर रहे हैं तो VMware के लिए करेंगे, ये मतलब जिस तरह मतलब ये आपके पास एक क्या है, एनवायरनमेंट है जिसमें हम वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे, जिस तरह वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है, ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, VMware और वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। मतलब मोस्टली इंडस्ट्री में ये यूज होते हैं, एक VMware होता है, एक वर्चुअल बॉक्स होता है, हम किसी पे भी दोनों पे एक पे काम कर सकते हैं। मेरे पास खैर दोनों हैं, मैं दोनों पे काम करता हूँ, वर्चुअल बॉक्स भी है मेरे पास, और मेरे पास क्या है, मेरे पास VMware भी है, मैं दोनों पे काम करता हूँ, मतलब तो हम दोनों पे कर सकते हैं। इनका हम डिफरेंस जानेंगे कि हम इसमें कौन सा सही है, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है वो इस पे काम करना अच्छा लगता है। ये भी यूज करता हूँ वर्चुअल बॉक्स, इस पे भी मेरा कालिनिक्स इंस्टॉल्ड है, इस पे भी है, तो मैंने मतलब दोनों चीज़ों पे मैं करता हूँ, ठीक है। जब आप ISO इमेज डाउनलोड कर देंगे, उसके बाद आपको क्या होगा, जहाँ से बिलफर्ज आपने, अगर आपके पास VMware है या बिलफर्ज आपके पास आपने ये वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किया है, ये आप वर्चुअल बॉक्स किस हिसाब से इंस्टॉल करेंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। आप वर्चुअल बॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, कभी भी मतलब आउटसोर्स, मतलब मैं आपको एक मिनट, कभी भी आप जो है ना कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, वो आप ट्रस्टेड सोर्स से करें। ट्रस्टेड सोर्स से क्या मुराद, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से करें, ठीक है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे, हटके करेंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें
मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि मतलब कोई मेल हो या कोई और चीज एंड्रोजन वगैरह उसमें या बैकवर्ड वगैरह उसमें जी, तो ठीक है पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप कोई भी चीज अगर आप, मैं आपको ये चीज बता दूं, एक वेबसाइट है वायरस टोटल, ठीक है, ये वायरस टोटल एक वेबसाइट है। आप क्या कर सकते हो, आप जो आपने फाइल्स डाउनलोड की हैं अपने सिस्टम पे, उसकी आइडेंटिटी चेक कर सकते हो, यूआरएल की इंटेग्रिटी चेक कर सकते हो। बिलफर्ज आपको कोई, आजकल काफी स्कैम चल रहे हैं, ठीक है, आजकल काफी स्कैम्स चल रहे हैं, आपको काफी लिंक्स, कोई भी बिलफर्ज कोई आपको लिंक शेयर कर देता है, ठीक है, तो आपको पता नहीं होता कि भाई इस लिंक में क्या है, उसमें हो सकता है कोई एसक्यूएल इंजेक्शन हो या उसमें कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई मेलवेयर इंजेक्ट है जो आपको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको रिडायरेक्ट कर लेता है उनके सर्वर पे या उनकी वेबसाइट पे, जहां पर वो मेलवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कभी भी यूआरएल जो है आपने HTTPS वाला ही मतलब वो करना है, HTTPS वाला जो यूआरएल है, जिस तरह ये वाली है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है अभी, जिस तरह मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये है, ठीक है, ये क्या है, ये सिक्योर है। HTTP अगर हम इसको इधर देखेंगे अपने इसमें, तो ये आपको बताएगा इधर, ये सिक्योर है। HTTPS वाले जो भी होते हैं ना वो सिक्योर होते हैं। अगर HTTP हो गया सिर्फ, ये फायरवॉल ने ब्लॉक भी किए होते हैं, जो HTTP बेस्ड साइट्स होती हैं ना उनको ज्यादातर फायरवॉल ब्लॉक करती है। अब ये मेरे पास नहीं खुल रही, साइट नॉट सिक्योर, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई आपने ये डज नॉट सपोर्ट HTTPS, ये HTTPS सपोर्ट नहीं करता, आपने HTTP खोला है, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो इधर ये लॉक वाला साइन आ जाता है, मतलब ये कनेक्शन इज सिक्योर, और उस पे क्या आ रहा है, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। आपको इधर ये पॉपअप भी कर रहा है कि भाई ये सिक्योर नहीं है। और ये जो HTTP वाली वेबसाइट्स होती हैं इनका जो इसमें स्निफिंग ज्यादा होती है। अगर आप देख लें आजकल गवर्नमेंट जो भी वेबसाइट्स हैं, तकरीबन मैंने तो यही देखा है कि वो HTTP बेस ही है, ठीक है। कुछ कुछ अभी ऑर्गेनाइजेशंस मतलब अपग्रेड कर रही हैं अपना सिस्टम अभी अपग्रेड कर रहे हैं, वो HTTPS पे आ रहे हैं, लेकिन काफी मतलब जो है ना HTTP सपोर्टेड हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी डेटा उनके फॉर्म्स वगैरह में फिल करते हैं या कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप वो करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, आपकी कंप्रोमाइज हो सकती है, आपके लॉगिन्स कंप्रोमाइज हो सकते हैं, काफी चीजें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हम इन इन चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हम इन चीजों को यूज करके HTTP को हम किस तरह इनकी ट्रैफिक को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे वाले लेयर में करेंगे। जस्ट अभी आपको जस्ट मैंने ये बताना था कि हमने जो है ना ट्रस्टेड सोर्स से हमें करना है हमेशा, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स, आप वेबसाइट पे आएंगे, आप डाउनलोड सेक्शन में आएंगे, ठीक है। डाउनलोड सेक्शन में अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आप विंडोज पे क्लिक करेंगे, अगर आप मैकोस यूजर हैं तो आप मैक पे करेंगे, या अगर आप लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप लिनक्स पे करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बिलफर्स विंडोज यूजर हूं तो मैं क्या करूंगा, विंडोज पे जाऊंगा। अब खैर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं इधर से, ठीक है। आप जैसे विंडोज पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जहां पर आप वो क्या होगा, आपने जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये आपके किसी ना किसी डायरेक्टरी में आ जाएगा। वो हो सकता है आपके डाउनलोड्स वाली डायरेक्टरी में आ जाए, या आपकी जहाँ पर जैसे ही आप कोई भी इंटरनेट से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं आप जाएंगे, जिस डायरेक्टरी में आपका वर्चुअल बॉक्स होगा उसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपके पास इस तरह के बॉक्स आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अभी मेरे पास ये कालिनिक्स इसमें है, ये एक दूसरा भी मेरा प्रोजेक्ट है, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी खैर ये आगे हम, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस पे भी आपको काम करवाऊँ, लेकिन अभी ये एडवांस चीज है, इस पे अभी नहीं करना, अभी हमने जस्ट कालिनिक्स पे ही काम करना है, ठीक है।
तो अभी सारे क्या करें, जो जो विंडोज यूजर हैं वो जल्दी में विचुअल बॉक्स अपने पास डाउनलोड करें। अगर जिनके पास किया हुआ है तो सही है, वो रहने दें, बाकी जिनके पास नहीं है वो अभी कर लें। मोस्टली किन किन के पास है, रेज योर हैंड्स। सर मेरे पास VMware है, मैंने अच्छा VMware, ठीक है, जिनके पास है सही, ठीक है, मोस्टली यूजर्स के पास तो अच्छा है। अच्छा जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो देखें अमीर हमदा साहब, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अभी चाह रहे हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ूं, तो आप किस तरह मतलब कंटिन्यू करेंगे अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी को? तो आपको मतलब लैपटॉप परचेज करना होगा। अगर आप लैपटॉप परचेज भी नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ एक दूसरी अच्छी चीज शेयर कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, ये जिस तरह मैं आपको यूआरएल फाइल की इंटीग्रिटी बता रहा था, आप चूज फाइल में जाएंगे, अगर किसी ने भी आपको कोई फाइल शेयर सेंड की, या अगर आप नेट से किसी ऐसी वेबसाइट से मतलब कोई सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, वायरस टोटल वेबसाइट पे जाके आप इसकी मतलब वो सस्पिशियस, अगर वो फाइल सस्पिशियस हुई तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। इधर चूज फाइल में जाएंगे, उस फाइल को उठाएंगे और उधर एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपके पास उसको रिजल्ट देगा कि भाई ये इसमें कोई वेंड मतलब ये मेलिशियस डॉक्यूमेंट है या कोई भी चीज, आपको इधर मतलब उसकी इंटेग्रिटी पता चल जाएगी, फाइल की भी पता चल जाएगी, यूआरएल की भी पता चल जाएगी, कोई और चीज आप सर्च करें उसकी भी, अगर कोई यूआरएल है, आईपी एड्रेस है, डोमेन है, या किसी फाइल हैश, ये सारी चीजें हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। ये आपको मैं वायरस टोटल इसलिए बता रहा हूँ, मतलब आप अपनी डेली लाइफ में ये चीजें यूज करें, वायरस टोटल का तो काफी आप यूज करें, ठीक है। हम आगे इंशाल्लाह जब हम सिस्टम हैकिंग पे आएंगे उसमें हम ये भी देखेंगे कि जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, वो अगर आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज करना चाहें तो वो अपने जो है ना जो एक्सप्लॉइट्स बनाते हैं या कोई मतलब बैकडोर्स बनाते हैं, वो ऐसे ऐसे उसमें मतलब बैकडोर्स इंजेक्ट करते हैं अपने मतलब सॉफ्टवेयर हो गया या कोई भी लिंक हो गया, उसमें ऐसे बैकडोर इंसर्ट करते हैं कि उनको वायरस टोटल भी नहीं पकड़ सकता। वो भी हम चीजें इंशाल्लाह करेंगे कि हम उनको किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, उनकी स्टेटिक एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस, ये सारी चीजें। तो बस ये जस्ट आपको बताना था कि आप अपनी डेली लाइफ में वायरस टोटल को भी साथ साथ यूज किया करें, ठीक है। फाइल की मतलब कोई आपको कोई फाइल सेंड कर रहा है कोई भी, उसकी फाइल की इंटेग्रिटी चेक कर सकते हैं, यूआरएल चेक कर सकते हैं, कोई आपको यूआरएल सेंड कर रहा है, ठीक है। आजकल मतलब जिस तरह फिशिंग कैंपेन्स होती हैं, आपको कोई लिंक सेंड कर रहा है कि भाई दराज से ये ऑफर आई है, ठीक है, आप इसको क्लिक करो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या जो इस तरह के बड़े बड़े इवेंट होते हैं इस टाइप के, उन दिनों में ये कैंपेन चल रही होती है, या अभी रमजान आ रहा है बिलफर्ज, रमजान के हवाले से कोई आपको ऐसी नई नई चीजें ऑफर करेंगे, आपके पास ईमेल्स आएंगी, तो उन सब चीजों की हम आगे इंशाल्लाह जब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जब हम उन चीजों सोशल इंजीनियरिंग वाले मॉड्यूल पे आएंगे तो वो सारी चीजें भी हम करेंगे। लेकिन जस्ट अभी आपको जस्ट बताने का ये था कि साइबर सिक्योरिटी में आपको इन चीजों का थोड़ा बहुत मतलब नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं, लैपटॉप ही नहीं है, लैपटॉप नहीं है तो फिर तो सर आपको जो है ना कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। क्या नाम था आपका? हेलो, कौन, हमजा थे? हाँ सर, ये विजुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद कि फिर क्या करना है? लैपटॉप नहीं है तो सर आपको लैपटॉप परचेस करना पड़ेगा, लैपटॉप लेना पड़ेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि विदाउट लैपटॉप तो आप नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि आप बिलफर्ज, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी मतलब छोटी फील्ड नहीं है, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं तो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड होने के लिए आपको लैपटॉप तो कम से कम होना चाहिए। अगर लैपटॉप आपके पास नहीं है तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लें अपने पास, उसी पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन मतलब
आपके पास सिस्टम इतना कॉम्पिटेबल होना, मतलब स्ट्रांग होना चाहिए कि ये सारी चीजें मतलब बर्दाश्त कर सकते और ये सारी चीजें मतलब आपकी चल सके उस चीज पे भी, ठीक है। तो अब बिलफर्ज जिनके पास है, जो कह रहे हैं कि सर हमारे पास विर्चुअल बॉक्स है, या कोई जो कह रहे हैं कि हमारे पास वीएमवेयर्स हैं, ठीक है। तो इन ये जो गाइड है, ये गाइड इस गाइड में मैंने उस अगर आप यूएसबी पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, बूट करना चाह रहे हैं काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को, अच्छा हसन आप कह रहे हैं कि मतलब हाँ देखें, अगर बिलफर्ज आपके सिस्टम पे अगर आप वायरस टोटल भी नहीं कर रहे हैं, बिलफर्ज अगर आपके सिस्टम पे एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो आप मतलब इजीली कंप्रोमाइज हो सकते हैं उस अटैकर को, ठीक है। इजीली कंप्रोमाइज से क्या मुराद, अगर आपके पास एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है तो जाहिर बात है आप मतलब एक नॉर्मल यूजर हैं, तो जारी बात है तो आप तो इजीली एक्सप्लोइट हो जाएंगे। अगर आपके पास एंटीवायरस इंस्टॉल है और दूसरे सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर वगैरह लगी हुई है, तो क्या करेगी उस चीज को, जो भी इंटरनेट से आप डाउनलोड करेंगे उसको क्या करेगी, मतलब उसको आगे मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होने देगी। या एंटीवायरस हमारे क्या होते हैं, एंटीवायरस हमारे जो है ना सिग्नेचर्स पे काम करते हैं, हमारे पास सिग्नेचर्स उसमें प्री डिफाइंड सिग्नेचर्स होते हैं यार। ये पेंट्रेशन टेस्टिंग, अच्छा मैं आप इस पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो एंटीवायरस क्या होते हैं, अगर हमारे पास एंटीवायरस बिलफर्स कोई भी लगा हुआ है, तो एंटीवायरस क्या करता है कि उस वायरस के सिग्नेचर्स को अपने जो जो एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, लेजिटिमेट एक सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या करता है कि उसमें प्री डिफाइंड एक क्या होते हैं, रूल्स बने होते हैं। प्री डिफाइंड रूल्स से क्या मुराद के उसको कोई भी अगर इंटरनेट से कोई ऐसा कोई मतलब सिग्नेचर मिल गया, उसमें जो प्री लोडेड सिग्नेचर्स हैं उसको उन इंटरनेट वाले सिग्नेचर्स के साथ मैच करेगा। अगर वो सिग्नेचर उसके साथ मैच हो गए तो वो क्या करेगा, आपको पॉपअप करेगा कि भाई जो आपने चीज डाउनलोड की है उसमें वायरस है, आपको पॉपअप करेगा कि आप ना इंस्टॉल करें। तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा, इधर ही बिलफर्स आ जाता है, ठीक है, आपको वो मतलब वो करेगा, अलर्ट करेगा। तो उसके बाद जैसे आप किसी और का क्वेश्चन है कि सर पेन टेस्टिंग ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, यार पेन टेस्टिंग टेस्टिंग जो है ना वो एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए होती है, इसमें रेड टीम होती है। हमारे पास मोस्टली साइबर सिक्योरिटी में दो टीम्स होती हैं, एक रेड टीम होती है, एक हमारे पास ब्लू टीम होती है। रेड टीम क्या करती है, हमारे पास ये भी ऑर्गेनाइजेशंस में रोल्स हैं, रेड टीम ब्लू टीम, ठीक है। रेड टीम क्या करती है, वो सिर्फ अटैक्स परफॉर्म कर रही होती है, मतलब न्यू न्यू अटैक्स देख रही होती है, न्यू न्यू जो आजकल एक्सप्लोइट्स बन रहे हैं उनको वो कर रही होती है, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर कर रही होती है, ठीक है। हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में दो टीम्स होती हैं, एक रेड टीम एक ब्लू टीम। रेड टीम ऑफेंसिव साइड होती है, ऑफेंसिव साइड मीन बैटिंग साइड। अगर आप क्रिकेट का एग्जांपल ले लें कि भाई पेंटेशन टेस्टिंग है, ठीक है, तो पेंटेशन टेस्टिंग में हमारे पास है एक बैट्समैन होते हैं, एक बॉलर्स होते हैं। तो जो पेंटेशन टेस्टर्स हैं उसमें बिलफर्ज अगर हम बैट्समैन का रोल है हमारे पास, तो हम क्या कहलाएंगे, रेड टीमर, और हम क्या कहलाएंगे, रेड टीमर ऑफेंसिव साइड। और अगर हम बॉलिंग साइड है, बिलफर्ज हमारा रोल बॉलिंग साइड है, तो हम क्या कहलाएंगे, ब्लू टीम, ठीक है। ब्लू टीम मीन डिफेंसिव, एक रेड टीम ऑफेंसिव, ब्लू टीम डिफेंसिव, जो मतलब डिफेंस करें, कोई भी अगर अटैक आए उसको डिफेंस करें, ठीक है। तो पेंटेशन टेस्टर्स का यही काम होता है, यही रोल होता है, ठीक है। तो अभी कहा है कि अगर आप अपने यूएसबी पे कालिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप आईएसओ इमेज डाउनलोड करेंगे इस वेबसाइट से, ठीक है। आप फिर वो वीएम, ठीक है, आईएसओ इमेज देखेंगे, चलिए लिंक इंस्टॉलर। शेयर कर दें, जी मैम, ये जो आपने डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया था लिंक शेयर कर दें चैट में। जी जी मैम, जी मैम।
हेलो सर, मैं कह रही हूँ ये लिंक शेयर कर दें जो आपने ओपन किया था फाइल। जी, मैं ये मेम कर रहा हूँ आपके साथ। तो आपको करना क्या होगा कि आपको उस हिसाब से अपनी जो है ना एक इमेज फाइल, ये वर्चुअल मशीन्स आप मतलब वीएमवेयर और वर्चुअल बॉक्स के लिए इंस्टॉल करेंगे, और अगर आपको आईएसओ इमेज चाहिए तो आप आईएसओ इमेज भी इसी वेबसाइट से करेंगे अपने यूएसबी के लिए या किसी मतलब और ड्यूअल बोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो आप इन चीज़ों से मतलब अपने इस काली के ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे। ठीक है, तो बिलफर्ज से काली के डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में ये बता रहा है। आपको जैसे इसका आईएसओ इमेज डाउनलोड करना है, ठीक, आईएसओ इमेज डाउनलोड करके उसके बाद क्या करना है, आपको अपने पास एक दूसरा टूल भी इंस्टॉल करना है। एक मिनट में आपको रिफोर्स के नाम से एक टूल आता है, ठीक है, और उसमें ये बताया है कि अगर आप बूटेबल बनाना चाहते हैं इमेज उसको अपने यूएसबी को, तो आप क्या करेंगे, प्लग योर यूएसबी ड्राइव इनटू योर विंडोज पीसी एंड रिमेंबर द ड्राइव नेम एसोसिएट विथ, मतलब आपकी जो ड्राइव जो यूएसबी ड्राइव है उसको कोई ना कोई नाम होना चाहिए, उसके बाद लॉन्च रुफूस टू चूज काली नेक्स आईएसओ फाइल, रुफूस भी आप डाउनलोड करेंगे अपने पास। अब रुफूस का मैं आपको दिखा लेता हूँ, ये भी टूल अगर आप रुफूस उस केस में इंस्टॉल करेंगे जब आपको कोई भी चीज को मतलब बूटेबल बनाना, कोई भी चीज को आपने बूटेबल बनाना हो, ठीक है, इसलिए आप एक टूल आता है रुफोस, ठीक है, तो आपने रुफोस डाउनलोड करना है। रुफोस आप किस हिसाब से डाउनलोड करेंगे वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, अगर आपका 64 बिट सपोर्टेड है तो आप 64 बिट का करेंगे, अगर 32 बिट का है तो 32 बिट का करेंगे। ठीक है, तो इसका इस तरह का इंटरफेस होता है। तो अगर आपका बिलफर्ज ये तो ठीक है, आप इधर से ये कर देंगे या पोर्टेबल कर देंगे, लेकिन हमने ये 3.21 वाला ये करना है। ठीक है, तो आप ये रिफ्यूज जैसे ही आप रिफ्यूज कर देंगे, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप ये लॉन्च करेंगे रिफ्यूज को, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपने आईएसओ इमेज ये काली वाली इंस्टॉल की होगी, ठीक है, आप उधर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इधर से ये इधर ऑप्शन आएगा, इसको इधर से यूं सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके जहां पर आपका कालिनिक्स आईएसओ आपने इमेज फाइल कालिनिक्स की आपने अभी जो लेटेस्ट कालिनिक्स चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 23 या लेटेस्ट 24 चल रहा है मेरे ख्याल में। एक मिनट, हाँ हमारे पास ये वर्जन अभी चल रहा है 2022.4, ये वर्जन हमारे पास अभी चल रहा है इस पे काली पे, तो आप ये करेंगे। ठीक है, अगर आप इसका डाउनग्रेड वर्जन भी आप अगर डाउनलोड करते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो भी आपका चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपको जस्ट बताने का मकसद ये था कि जैसे ही आप कालिनिक्स का वो कोई भी वर्जन होगा आईएसओ उसका अगर आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके करने के बाद आपको आईएसओ इधर इम्पोर्ट करवाना है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा दूँ बिलफर्स, मेरे पास अगर काली का आईएसओ इमेज पड़ा हो बिलफर्स, ठीक है, ये मेरे पास काली का आईएसओ, ये मेरे पास दूसरा है, ठीक है, तो आईएसओ जो होगा ना आईएसओ इस टाइप का होगा, ये वाला, ठीक है, आपको इस तरह का इसका फॉर्मेट नजर आएगा। ठीक है, जो आप आईएसओ डाउनलोड करेंगे यूजली, मतलब जो भी आईएसओ फाइल्स होंगे वो इस तरह इसका लोगो होगा ये वाला,
उस पे डिस्क का लोगो होगा, ठीक है, और उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी, डॉट आईएसओ, ठीक है। तो आप जैसे कालिनिक्स का डॉट आईएसओ फाइल डाउनलोड करेंगे यूएसबी के लिए, जहां पर आपका पड़ा होगा, डाउनलोड किया होगा, आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके उसके बाद इसकी जो ये सेटिंग है पार्टीशन स्कीम एमबीआर रखेंगी, रखेंगे टारगेट सिस्टम बायोस यूईएफआई ये वाला रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम लेबल क्या, इसके बाद आप इस पर कोई भी नाम दे देना है, काली लाइव कर दें या कोई भी काली लिनक्स रख लें, फाइल सिस्टम पे 32 रखना है, क्लस्टर साइज ये आपने रखना है। उसके बाद जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे स्टार्ट होना, ये मतलब क्या करेगा रफूस में, ये मतलब आपकी ये जब रफूस पे काम करें ना, तो रफूस को मतलब ओपन करते आप अपने पास है यूएसबी को भी इंसर्ट करे रखें, ठीक है, करके रखें। उसके बाद आईएसओ फाइल सिलेक्ट करें, आईएसओ फाइल सिलेक्ट करके बाद ये सारी सेटिंग करके उसको आप जैसे स्टार्ट पे करेंगे तो वो क्या करेगा, आईएसओ फाइल को आपके यूएसबी में क्या करेगा, कॉपी करेगा, मतलब आईएसओ फाइल जो जो फाइल्स होंगी वो यूएसबी में सारे ट्रांसफर होंगे, कॉपी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी जो यूएसबी है उसको इंसर्ट करके आपने यूएसबी ड्राइव एस्केप एस्केप वाला बटन दबाना है, ठीक है। मतलब अपने पीसी को जैसे आपने ये वाला स्टेप कर दिया पूरा, उसके बाद क्या करना है, यूएसबी चाहे आपकी लगी हो, ठीक है, आपने क्या करना है, अपने सिस्टम को इधर से रिस्टार्ट करना है, रिस्टार्ट करके आपने ईएससी को दबाना है, मतलब प्रेस करके रखना है, दबाना है, ये एस्केप वाला ये करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, बायोस में जाना है, ठीक है, F9 प्रेस करेंगे, बूट बूट डिवाइस ऑप्शन में जाना है, उसके बाद बूट मैनेजर में जाना है, बूट मैनेजर में जाके आपको इधर से आपको बताएगा कि भाई आप अपना जो ओएस आपने वो किया है कालिनिक्स का, इसको आप हार्ड डिस्क पे चलाना चाह रहे हैं या यूएसबी ड्राइव पे चलाना चाह रहे हैं। तो हमने ऑब्वियसली यूएसबी ड्राइव पे हमने कालिनिक्स के आईएसओ को वो किया है, मतलब कॉपी किया है, तो हम हार्ड डिस्क यूएसबी पे चलाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इसको हम हार्ड ड्राइव बूट फ्रॉम बूटेबल यूएसबी ड्राइव, तो हमने बूटेबल यूएसबी, इट विल रिडायरेक्ट टू द कालिनिक्स लाइव बूट मेन्यू। उसके बाद आपको इस तरह के उसमें ले जाएगा, तो आपने क्या करना है, लाइव सिस्टम पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे लाइव सिस्टम पे इधर से फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा, सिलेक्ट लाइव सिस्टम एंड प्रेस इंटर टू बूट काली लिंक्स, आप बस इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। तो जैसे इंटरफेस ये आ जाएगा तो आप इंटर करेंगे, उसके बाद ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इंटरफेस आ गया तो समझो तो आपके पास है काली लिनक्स से आपके यूएसबी पे इंस्टॉल हो गया। अब आते हैं काली लिनक्स को हमने विंडोज पे इंस्टॉल करें, काली लिनक्स को विंडोज पे इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। विर्चुअल, देयर आर मेनी विर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर सुटेबल फॉर मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम आई विर्चुअल बॉक्स एंड वीएमवेयर वर्कस्टेशन। मैंने आपको बताया कि अगर कोई विर्चुअल बॉक्स पे करना चाहे तो वो विर्चुअल बॉक्स पे करे, अगर कोई वीएमवेयर पे करना चाहता है तो वो वीएमवेयर पे करे, ये दूसरे ऑप्शंस आते हैं। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे करे, हाइपरवाइजर्स आते हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास जो वर्चुअलाइजेशन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होती है, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब हमारे पास ये जो ये वाले क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वीएमवेयर और वर्क स्टेशन। दूसरे होते हैं हाइपरवाइजर, जो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कर्नल पे काम करते हैं, मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कर्नल पे काम करते हैं, मतलब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हटके कर्नल पे काम करते हैं। तो हमारे पास ऐसी भी मतलब वर्चुअल मशीन्स होती हैं जो हम कर्नल पे चलाते हैं। उसके बाद ये बता रहा है कि कालिनिक्स को वर्चुअल बॉक्स पे किस तरह इंस्टॉल करेंगे, कह रहा है कि वी आर यूजिंग वर्चुअल बॉक्स, फर्स्ट डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स ऑन यूर पीसी, आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन द मेन स्क्रीन अपीयर्स समथिंग लाइक द फिगर बिलो, ठीक है। आपके पास जैसे ही वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरह की ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, जिस तरह मेरे पास ये आ रही है, ठीक है, जिस तरह ये मेरे पास आ रही है, मैंने डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल किया है तो मेरे पास इस तरह की स्क्रीन आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, सेकंड ऑप्शन है क्लिक ऑन न्यू विजार्ड विल अपीयर विच इट, आप क्या करेंगे इसी में इधर न्यू पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये वाली न्यू है जो, इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यही वाला ऑप्शन आ रहा है आपका, ये जो मेरे पास आ रहा है देखो, ठीक है।
तो जैसे ये ऑप्शन आ जाएगा तो आपको मतलब आपने क्या करना है, मतलब अगर इसमें दो ऑप्शन हैं, विचुअल बॉक्स पे इंस्टॉल करने के लिए या वीएमवेयर पे काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए दो ऑप्शन है। एक तो आप अगर जो काली लिनक्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल करना है, आप वर्चुअल बॉक्स और वर्चुअल मशीन पे दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। वो किस दो तरीके कौन से हैं, आप वर्चुअल काली लिनक्स को इसमें पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, पूरे इंस्टॉल करने से के वो पूरा आपका मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। और एक होता है वर्चुअल मशीन, मतलब आपके पास एक आईएसओ इमेज है, जस्ट आपने उसको इंपोर्ट करवाया और वो जल्दी मतलब आपको मतलब एक जो पहले मैंने तरीका आपको बताया उसमें क्या था कि आपने मतलब बहुत सेटिंग करनी होगी उसकी, उस आप काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने के लिए मतलब बहुत सेटिंग करनी होगी, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए बहुत मतलब टाइम कंज्यूम होगा। तो हम उन चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम काली लिनक्स वेबसाइट से हम इसकी वर्चुअल मशीन से इंस्टॉल करते हैं। वर्चुअल मशीन हम किसकी इंस्टॉल करेंगे, वर्चुअल बॉक्स की। अगर आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया है तो आप क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन डाउनलोड करेंगे। आप इधर ये डाउनलोड वाले इधर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके पास वीएमवेयर है, वीएमवेयर भी सिमिलर वर्चुअल बॉक्स ही है, ठीक है, ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर हैं दोनों, वर्चुअल बॉक्स और वीएमवेयर। अगर किसी के पास वर्चुअल बॉक्स अगर किसी ने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है तो वो वर्चुअल मशीन काली की ये काली लिनक्स की आपके पास डायरेक्ट वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो जाएगी। अगर किसी के पास वीएमवेयर है तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वीएमवेयर की वर्चुअल मशीन आईएसओ इमेज डाउनलोड हो जाएगी। वीएमवेयर की आईएसओ काली लिनक्स की जो वीएमवेयर की आईएसओ इमेज होती है वो अलग होती है, और वर्चुअल बॉक्स की जो काली लिनक्स की आईएसओ इमेज होती है वो अलग होती है। इन दोनों की आईएसओ इमेज डिफरेंट होती है। आप ये ना कहें कि अगर मैंने वर्चुअल बॉक्स की जो काली लिनक्स की आईएसओ इमेज है वो मेरी वीएमवेयर पे भी काम करेगी, ऐसे नहीं है। आपको अगर आपके पास वीएमवेयर चल रहा है या आपके पास वर्चुअल बॉक्स चल रहा है तो इन दोनों की जो काली लिनक्स की ये काली लिनक्स है ना, काली लिनक्स की जो वर्चुअल मशीन होंगी आईएसओ इमेज होंगी वो डिफरेंट होगी। तो हम बिलफर्ज अगर हमने वर्चुअल बॉक्स की आईएसओ इमेज डाउनलोड कर दी, हम क्या करेंगे उसको, जस्ट हम जहाँ पर बिलफर्ज हमारे पास आ गई, अगर हमारे किसी वर्किंग डायरेक्टरी में वो पड़ी है, बिलफर्ज मैं आपको इधर से ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी मेरे पास से इंस्टॉल्ड है, ठीक है, काली लिनक्स से ये मेरे पास ओल्डर वर्जन है, ठीक है, तो आप न्यू वर्जन जो अभी आया है इसको आप कर सकते हैं। जैसे ही आप वर्चुअल बॉक्स वाली क्या करेंगे, इधर से कहाँ गई, इधर से आपने वर्चुअल बॉक्स वाली करेंगे तो आपके पास है, इस फॉर्म में नहीं आएगी, आपके पास एक मतलब एक फाइल आएगी, उसको आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट सॉफ्टवेयर आता है आपके पास, मैं आपको बताता हूँ वो भी, ये आपके पास सॉफ्टवेयर आता है 7-Zip, ठीक है, मतलब जो आपने विचुअल जो इमेज फाइल डाउनलोड की है आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो आपके पास इस तरह का क्या आ जाएगा, इस तरह का फोल्डर बन जाएगा, उसकी जो मतलब वो क्या है, वो एक्सटेंशन है, वो ओवीएफ फाइल बन जाएगी, ओवीएफ फाइल। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही विजुअल बॉक्स ओपन करेंगे हम क्या करेंगे, इधर से इसको फाइल से इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है, जहां पर बिलफर्ज मेरे पास अभी बिलफर्ज ये कहाँ पर पड़ी थी, ये इधर पड़ी है, ठीक है, डी में पड़ी है, ठीक है, मैं क्या करूंगा इसको
मैं इसको इधर से इंपोर्ट करवाऊंगा, नेक्स्ट करूंगा, फिनिश करूंगा, तो मैं एग्री करूंगा, ये मेरा काम स्टार्ट कर देगी, अभी ये इंपोर्ट हो रही है मेरी डायरेक्टली। मतलब आपको कोई भी और चीज नहीं करनी होगी, मतलब दो तरीके हैं आपको कालिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करेंगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा, अगर आप जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसे वर्चुअल मशीन इसकी ISO इमेज डाउनलोड करेंगे काली की वेबसाइट से, तो आपकी क्या हो जाएगी, डाउनलोड मतलब इजिली हो जाएगी। आपको जस्ट क्या करना होगा, जो आपने ISO इमेज वो की उसको एक्सेप्ट करके जस्ट आपने क्या करना होगा, इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे इम्पोर्ट हो जाएगी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो बिलफर्स मैं आपको ये अपनी ये वाली जो ऑलरेडी मेरे पास वो है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक ये चीज कहूँ कि जब हम ये कोर्स करेंगे ना, तो मतलब हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास कोई एरर आए, किसी के पास कोई एरर आए, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये एरर्स आपके पास आएंगे, ठीक है, तो इनसे घबराना नहीं है। तो ये भी समझो आपका लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। अगर आपके पास कोई एरर्स आता भी कोई मसला नहीं है। और इसमें यह है कि अभी देखें मैम, हमें पता नहीं है कि टाइम कितना लग रहा है, बातें हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपका कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल लैब्स करेंगे तो हमें मतलब टाइम का पता नहीं चलेगा कि हम किस मतलब कितना लग रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो बस ये आपका सिर्फ मुझे साथ चाहिए, अगर आप साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको सही तरह पढ़ाने से, ठीक है। अगर कोई मुझमें कोई कमी रह गई है या कुछ भी, तो इंशाल्लाह वो भी दूर करेंगे। बाकी इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना, तो आपको परेशान नहीं होना। मतलब अभी परेशानी इतनी है कि आप सबका कालिनिक्स और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाए सही तरीके से। अगर आपके ये कालिनिक्स इम्पोर्ट हो गया, इंस्टॉल हो गया सबका, उसके बाद कोई भी मसला नहीं है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जो मेरी एक्सपेक्टेशन ने, उसके बाद इंशाल्लाह आपका स्मूथली सब कुछ होता जाएगा, जो सारी लैब्स हैं आगे। बस ये स्टार्टिंग का थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें थोड़े ये सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं, क्योंकि न्यूकमर्स हैं, जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं, उसको उनको शायद नहीं पता हो कि वर्चुअल बॉक्स और इन चीज़ों का, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये मेरे पास ये चल रही है वर्चुअल मशीन। कौन सी अबो लिंक? हाँ, अबो लिंक भी वो तो मैंने उसमें डाली हुई है ना, आप गूगल पे सर्च करें, ठीक है, आप मेरी वाली पे ना जाएं, आप गूगल पे सर्च करें कालिनिक्स ISO इमेज, तो जैसे ही आप करेंगे बिलफर्स मैं आपको इधर दिखा दूं, आप काली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, काली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने वर्चुअल मशीन पे आना है। वर्चुअल मशीन किस लिए, अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हैं तो वर्चुअल बॉक्स वाली डाउनलोड करेंगे, अगर आप VMware कर रहे हैं तो VMware वाली करेंगे, ठीक है। अब बिलफर्स मेरे पास ये काली मेरे पास मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है, ये खैर मेरे पास ऑलरेडी दूसरा जो था वो चल रहा है, ये अभी चल रहा है इस पे काम, ठीक है, 100% हो रहा है, अभी ये टाइम लेगा थोड़ा। तो ये बिलफर्स मेरे पास ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है काली का, इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका कालिनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम आता है वो क्या आता है, काली काली। जी जी आसान, आपको काली लिनक्स ही इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि अभी हम पैरेट पे नहीं कर रहे,
ठीक है ना, तो हम कल लिनक्स पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो पेरेट अभी हम नहीं कर रहे, अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो हम इस पे अभी नहीं कर रहे, आप सबको कल लिनक्स ही काम करना होगा, तो इस पे ही हम इंशाल्लाह वो करेंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो वर्चुअल बॉक्स हम अपने सिस्टम में कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है ये रैम जो है ना स्टोरेज लेता है, जी एग्जैक्टली तो रैम ऑप्टिमल कितनी हो कि विंडोज भी चल जाए और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल जाए? यार, इसके लिए मैक्सिमम आपके पास है तकरीबन 8 GB इनफ है, ठीक है। 8 GB इनफ है, ठीक है। मतलब आपके पास अगर 8 GB है रैम, 8 GB है तो ये काफ़ी है। मतलब दो अगर आप वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं, या मतलब आप दूसरा वो OSP वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो 8 GB इनफ है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो मतलब रिकमेंडेड है वो तकरीबन 10 GB या 15 GB तक है, लेकिन मेरा तो खैर 10 GB है। मैंने अपना सिस्टम अपग्रेड करवाया था तो मैंने SSD लगवाया था, तकरीबन 256 का मैंने SSD लगवाया था, और उसके बाद 10 GB मैंने अपग्रेड करवाया था। तो पहले तो मेरा मतलब बिल्कुल स्लो चलता था, लेकिन अभी अलहमदुल्ला मैं जब काम करता हूँ तो बिल्कुल काफ़ी फ़र्क आया है। जब आप अच्छा SSD, जी, इसके जी अलावा अगर ये तो हो गया हमारा हार्डवेयर अपग्रेड करके सिस्टम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि हम क्लाउड के अंदर कर लें, जैसे अमेज़न हाँ और एजोर वगैरह के अंदर आता है, उसके अंदर जी, दूसरे लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डेबियन या मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बिलफर्ज आप चाह रहे हैं कि सर हमारा हम इतना सपोर्ट हम ये कॉस्ट नहीं वो कर सकते, बियर नहीं कर सकते, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है। एक ये साइबर सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया है, जो आजकल मतलब साइबर सिक्योरिटी जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो साइबर सिक्योरिटी अभी सीख रहे हैं, उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म है, ट्राई हैक मी। ट्राई हैक मी क्या देता है? ट्राई हैक मी वेबसाइट पे आप जाएंगे और इधर से सारी वर्चुअल मशीन, जो भी साइबर सिक्योरिटी के टूल्स हैं, सबकी वर्चुअल मशीन आप इधर से, पहले आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, साइन अप करना है। साइन अप करेंगे, ये उनके लिए ऑप्शन है जो चाह रहे हैं कि सर हम इतना मतलब कॉस्ट वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अपने सिस्टम को भी अपग्रेड करवाएं और ये भी करें वो भी करें, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। इसमें आपको क्या होता है कि आप इधर से इसको ज्वाइन करेंगे, जैसे ही ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके लॉग इन करेंगे, तो आपके पास पूरी हैंड्स ऑन लैब्स होंगी, पूरी हैंड्स ऑन लैब्स। मैं आपको इसमें पूरी जो भी साइबर सिक्योरिटी की हैंड्स ऑन लैब है उसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब एक साइड से आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, दूसरी साइड पे आपकी वर्चुअल मशीन होगी, ठीक है। बिलफर्ज मैं आपको दिखा दूं एक इनमें वक्त, ये देखें ये लर्निंग पाथ्स हैं, रेड टीमिंग, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, आप इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, उसके बाद जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ये मॉड्यूल है, साइबर डिफेंस का मॉड्यूल है, सोक लेवल 1 का मॉड्यूल है, ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग का मॉड्यूल है, कंप्लीट बिगिनर का मॉड्यूल है, कॉम्पिटिया ये एक दूसरी सर्टिफिकेशन है एडवांस लेवल की, इसका मॉड्यूल है, वेब फंडामेंटल्स हैं, मेटा एक्सप्लॉइट है, बरफ सूट है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, फिशिंग है, एनमैप है, रेड टीमिंग है, हर चीज है उसमें। आपको क्या होगा, आप इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट नहीं, ये हसन ये इसमें जो मोस्टली जो लैब्स हैं वो फ्री हैं, लेकिन इसके डिफरेंट कुछ वाउचर्स आते हैं, ठीक है। वो वाउचर्स से वो मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में जो इनके एम्बेसडर हैं ट्राई हैकमी के, तो वो ये सेल कर रहे होते हैं, सेल आउट कर रहे होते हैं, उसमें आपको इनके वाउचर्स मिलेंगे, जो इनकी दूसरी जो लैब्स हैं उसमें आपको वाउचर्स परचेस करने पड़ेंगे। और इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप बिल्कुल ये लैब्स करते हैं ना, हैंड्स ऑन लैब, आपको जिस तरह ये एनमैप टूल है, ठीक है, इस रिलेटेड आप क्या करेंगे, बिल्कुल आपने इधर से स्टार्ट मशीन किया, आपकी क्या हो जाएगी, आपकी इधर से ये साइड में
इस साइड पे आपकी एक मशीन क्या हो जाएगी, इस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। आप मतलब क्या होगी कि एक मशीन आ जाएगी क्लाउड में, और इधर ये आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप उस मशीन को यूज करोगे। जिस तरह अभी टास्क वन में क्या है कि आपने प्रेस बटन करना है स्टार्ट मशीन को, ठीक है, ये आपका ये लोड आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन है कि भाई ये एनमैप क्या है, किस लिए यूज होता है, इसकी ये पूरी आपको इंफॉर्मेशन बताएगा। उसके बाद इसका आंसर आपने देना है, ठीक है, इसका ये दोनों आंसर देने हैं, तीनों आंसर देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर बिल्फर अब जिस तरह ये कमांड्स बता रहा है, आपको इधर से ये थ्योरी ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आपको वो लैब परफॉर्म करनी है, ठीक है। मतलब आपको थ्योरेटिकल भी ये बताएगा, और जैसे थ्योरेटिकल आपका कवर होगा, आपका साथ साथ थ्योरेटिकल भी कवर होगा, आपका साथ साथ क्या होगा, लैब भी परफॉर्म होगी हैंड्स ऑन। मतलब ये जो न्यू कमर्स हैं, जो बिल्कुल बेगिनर्स हैं, जो कह रहे हैं कि सर हमारे पास बिल्कुल वो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मतलब ट्राईहैकमी को यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ट्राईहैकमी मतलब इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर आप कह रहे हैं कि सर मैं कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर लूं, तो आप ट्राईहैकमी को कर सकते हैं। एक दूसरी वेबसाइट भी है कोडरेड, इसके अंदर वो फॉर एजुकेशन का कोई ऑप्शन था, तो वो एजुकेशन की जिनके पास ईमेल है तो वो उनको कुछ ज्यादा एक्सेस दी जाएगी। एग्जैक्टली, अगर आपके पास एजुकेशन की ईमेल है, यूनिवर्सिटी की कोई पर्टिकुलर ईमेल है, तो आप उसमें हो सकता है कोई बेनिफिट हो, ठीक है। फॉर एजुकेशन है, टीचिंग या क्रिएट लैब्स, आप इसमें अपनी पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, टीचिंग कर सकते हैं, क्रिएट लैब्स कर सकते हैं अपनी। अगर आपने कोई लैब बनाई है तो आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई अच्छी सी कोई लैब बनाई, आपको उसकी पेमेंट में ये देंगे ट्राईहैकमी वाले, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये भी साथ साथ चल रही हैं आजकल मार्केट में, ठीक है। जो मतलब ये उनके लिए बनाई गई हैं जो बेचारे मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे चीजों को, तो ये इधर से हैंड्स ऑन कर सकते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज भी ले सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के एनवायरमेंट में ये चीजें नहीं होती। इंडस्ट्री के एनवायरमेंट में आपके पास टूल्स पे काम होना चाहिए, कालिनिक्स हो गया, विचुअल बॉक्स हो गया, वीएमवेयर हो गई, ठीक है, इन चीजों पे काम होना चाहिए आपका, ठीक है। हाँ, ये भी चीजें होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपका ये नहीं। आप जब अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो आपकी ट्राईहैकमी का प्रोफाइल भी देखा जाएगा। जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनका गिटहब प्रोफाइल देखा जाता है, ठीक है, गिटहब प्रोफाइल देखा जाता है, लिंक्डइन देखा जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का मोस्टली गिटहब प्रोफाइल असेस किया जाता है, ठीक है। तो आप जब आप साइबर सिक्योरिटी के अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी सारी सर्टिफिकेशन होंगी ट्राईहैकमी से भी आपने हैंड्स ऑन किया होगा, तो आप उसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं कि सर मैंने ये साइबर सिक्योरिटी की पूरी लैब्स मैंने परफॉर्म की है और इसके मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। तो आप ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, मतलब आपने ऑनलाइन भी ट्राईहैकमी से भी आपने हैंड्स ऑन किया है, पढ़ा है, आपने वर्चुअल बॉक्स वीएमवेयर पे भी काम किया है, मतलब एक आपका मतलब बहुत अच्छा काम हो जाएगा इंटरव्यू के हवाले से। जी और कोई क्वेश्चन हो? जी थैंक यू जी। अच्छा, तो आज हम तकरीबन काफी चीजें, क्योंकि देखें ये जो आज वाला फर्स्ट वाला वो सेशन, यही समझें आप साइबर सिक्योरिटी का, समझो आज हमारा ये फर्स्ट सेशन था, उसमें ये कि फर्स्ट सेशन में हम इतना तकरीबन, क्योंकि सारी चीजें मिक्सअप हो रही हैं, तो जब तक हमारी ये कालिनक्स वीएमवेयर या वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल हो जाती है, तो हम इंशाल्लाह उसके बाद जो भी लैब्स हैं हम वो सारी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मतलब मैं आज यही आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कल तक अपने पास वर्चुअल बॉक्स में कालिनक्स इंस्टॉल करके आए, ठीक है। अगर किसी को कोई मसला होता है, आप मुझे डायरेक्ट पिंग भी कर सकते हैं, या आप आईकोड ग्रुप के जो भी साइबर सिक्योरिटी का वो है ग्रुप है, उधर भी आप वो कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उधर भी मैं आपको आंसर कर दूंगा कि अगर कोई आपको मसला आ रहा है या कुछ भी, या मैं आपके साथ कोई ट्यूटोरियल सेंड कर दूंगा यूट्यूब का, आप उधर से
स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं कि आप अपने वीएमवेयर पे या आप वर्चुअल बॉक्स पे काली लिनक्स को किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं, किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके इस तरह से बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी बन जाएंगे, ठीक है, मतलब काफी चीजें मिल जाती हैं, मतलब हर चीज, मतलब एक पूरी गाइडेंस होगी तो आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, ठीक। तो आज वैसे टाइम भी हमारा काफी हो गया है, अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो जैसे आप कहें। जी सर, आई थिंक हमें एंड कर देना चाहिए, काफी टाइम हो गया, तो कल जी इंशाल्लाह मैम, कंटिन्यू हाँ करेंगे। कल कल इंशाल्लाह मैम, बस मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब जो भी पार्टिसिपेंट हैं, आप वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स को, कम से कम काली लिनक्स को तो इंस्टॉल करके आए कल, ठीक श्योर है। सर, मतलब आपको, मतलब मैं समझो एक आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपने यूट्यूब से भी हेल्प लेनी है, आपको यूट्यूब गूगल से भी हेल्प लेनी है, हर हर प्लेटफॉर्म से हेल्प लेके आपने वर्चुअल बॉक्स पे काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है। बस आपका टास्क ये है आज का। ओके सर, थैंक यू सो मच जी फॉर टुडे सेशन, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ओके, अल्लाह जी हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।